महिषासुर के वंश के हैं, ये महिषासुर ये असुरों के वंश के हैं और ये शिव और शक्ति से लड़ने की जो है संकल्प ले रहे हैं। आप मोदी से जी से तो लड़ नहीं पाए, बीजेपी से लड़ते लड़ते ये हमारे शक्ति से लड़ने लगे, तो भाग्यपूर्ण है। ऐसे अभागे लोग जो है देश की राजनीति में विपक्ष में बैठे पड़े हैं। राहुल गांधी जी ने खुद अपना परिचय दिया है और अब स्पष्ट हो गया कि जो शक्ति से लड़ता है वो कौन है, जो शक्ति से लड़ता है वो महिषासुर है, वो असुर है। अनेक असुरों का संहार किसने किया था? शक्ति ने किया था, माँ देवी ने किया था, और ये शक्ति से लड़ने की बातें कर रहे हैं। तो स्वाभाविक रूप से अपने को ये साबित कर दिया इन्होंने कि ये महिषासुर के वंश के हैं, ये महिषासुर ये असुरों के वंश के हैं और ये शिव और शक्ति से लड़ने की जो है संकल्प ले रहे हैं। तो स्वाभाविक रूप से देश के जो है सनातन धर्मी, देश के जो हिंदू धर्म के लोग हैं वो उनको ये अपना परिचय बता रहे, और ऐसे लोगों से कभी भी हमें लगता है बिल्कुल समर्थन नहीं कर सकते। जो शक्ति से लड़ने की बात करे, जो देवी से लड़ने की बात करे, जो आप मोदी से जी से तो लड़ नहीं पाए, बीजेपी से लड़ते लड़ते ये हमारे शक्ति से लड़ने लगे, हमारे देवी से लड़ने लगे, हमें माँ दुर्गा से लड़ने लगे, हमें माँ काली से लड़ने लगे, तो ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। ऐसे अभागे लोग जो है देश की राजनीति में विपक्ष में बैठे पड़े हैं और इसी के कारण इनका पतन हो रहा है। तो ये अपना परिचय जो है खुद दे रहे हैं कि ये निश्चित रूप से महिषासुर है। महिषासुर का वध किसने? शक्ति ने ही तो किया था, देवी ने ही तो किया था ना। तो ये अपनी परिचय दे रहा है कि ये लोग निश्चित रूप से असुर श्रेणी के लोग हैं, ये है चैन की पूरी पार्टी है अपना या विपक्ष है, और अब स्पष्ट हो गया तो ठीक है, अपना परिचय दे रहे हैं। लेकिन महिषासुर मर्दनी माँ देवी ने किया था और इनका भी मर्दन देश की जनता लोकतांत्रिक तरीके से इनको बुरी तरह हरा के करेगी, विपक्ष को आप बिल्कुल इनको सबक सिखाएगी। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, देवी देवताओं का अपमान एक जो शौक बना हुआ है। तो विनाश काले विपरीत बुद्धि, जब नाश मनुष्य का आता है पहले विवेक मर जाता है, तो विवेक मर चुका है, विवेक शून्य हो चुके हैं पप्पू जी, राहुल जी तो निश्चित रूप से उल जुलूल बोल रहे हैं। तो देश की जनता इस तरह की देवी का से लड़ने वाले का साथ तो कभी दे ही नहीं सकती, स्वाभाविक है। वो तो देवी के साथ खड़े, वो तो शक्ति के साथ खड़े, वो तो देवताओं के साथ खड़े हैं। तो अब लड़ाई ये सुर असुर की हो गई है, एक तरफ सुर तत्व है यानी देव तत्व है और एक तरफ असुर तत्व है। तो राहुल जी असुर तत्वों का नेतृत्व कर रहे हैं, जो शक्ति से लड़ेगा वो तो असुर ही तो होगा ना, तो इन्होंने साबित कर दिया। तो असुरों का तो संहार होना ही है लोकतांत्रिक तरीके से, अब होगा, पहले हथियार से होते थे, अब लोग चुनाव के द्वारा मत के द्वारा होगा। तो विपक्ष अपने साबित कर रहा है, ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है, और जीत हमेशा सुरों की हुई है और होती रहेगी।